आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, हाइजीन टिप्स हो, रिलेशनशिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या। तो आइए लेट्स टॉक खुलकर। क्या आपको अंदाजा है कि आपका बेटा अपने ही परिवार में कितना अकेला महसूस करता है? नैंसी कुडोरो की एक थीसिस है जिसका नाम है द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, जिसमें बताया गया है कि एक ही माँ के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बड़े होते समय किन अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं। जब बेटा बड़ा हो रहा होता है, कुछ 8 या 9 साल का, तो उससे कहा जाता है कि अलग सो, सामने मत नहाओ, अलग से कपड़े बदलो। और ये छोटे छोटे बदलाव उसकी टीन एज तक आते आते माँ और उसके बीच में एक दूरी बना देते हैं। और जब इस दौरान उसके शरीर में कई बदलाव होते हैं तो वो माँ के साथ उन्हें बांटने के लिए सहज महसूस नहीं कर पाता, या थोड़ा बहुत राहत महसूस करती है उसकी बहन जो अपनी माँ से इन बदलावों के बारे में खुलकर बात कर सकती है। और पिता के पास जाना तो वैसे भी लड़के के लिए ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पिता और बढ़ते बेटे की बनती हो। और अब जो बेटे के पास रहा सा ऑप्शन बचता है वो है उसके दोस्त, और वो दोस्त जो तब उन्हीं परिस्थितियों से निकल रहे होते हैं, तो जहां से जिसको भी थोड़ा अधूरा ज्ञान मिलता है वो आपस में आके बांट लेते हैं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन एक बढ़ते बच्चे की सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्यूरियोसिटी होना बहुत लाजमी सी बात है। बावजूद इसके पेरेंट्स इस बारे में उनसे बात नहीं करते, और गलती से अगर किसी दिन बच्चा भटक जाए तो दोष भी उसी को देते हैं। हाल ही में आई फिल्म OMG 2 भी इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। कहानी है एक टीनेज लड़की की जिसके प्राइवेट पार्ट के साइज को लेकर उसके दोस्त उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। अब लड़की को पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। इसे जानने के लिए वो गूगल करता है, अपने बायोलॉजी के टीचर के पास जाता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बच्चे के पास कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे वो खुलकर बात कर सके, और इसका फायदा उठाते हैं वो शख्स जो अपने मुनाफे के लिए उसे बेकार की सलाह और दवाइयां पकड़ा देते हैं, और इसके बाद लड़की की जान पर बनाती है। टीनेज एक ऐसा समय है जो लड़की और लड़की दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और पीरियड्स आने लगते हैं। ऐसे ही लड़कों के शरीर में भी कई बदलाव होते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, चेहरे के साथ पूरे शरीर पर बाल आना। इसी दौरान उनके जननांग जैसे कि टेस्टिकल्स और पीनिस का साइज भी बढ़ने लगता है। इन सभी बदलावों के लिए जिम्मेदार है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टीज में बनता है। इसी समय टेस्टीज में स्पर्म्स मैच्योर होना शुरू होते हैं। इन सभी के कारण लड़की के शरीर में सेक्स को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। इस दौरान कुछ लड़के वेट ड्रीम्स यानी स्वप्न दोष की समस्या भी महसूस करते हैं। हालांकि इसे समस्या कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें समस्या जैसा कुछ भी नहीं है। स्वप्न दोष बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। आसान भाषा में समझें तो जब शरीर में स्पर्म बनते हैं तो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो शरीर खुद ब खुद समय समय पर इन्हें बाहर निकालने का काम करता है, जिसे वेट ड्रीम्स कहा जाता है। नींद के 4 फेजेस में आखिरी फेज, जिसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, इस दौरान ज्यादातर मेल्स अपने जेनिटल्स में इरेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके जननांगों में होने वाला ब्लड फ्लो सबसे तेज होता है, और यही वो समय है जिसमें ज्यादातर मेल्स वेट ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और हाँ, वेट ड्रीम्स का इरोटिक कॉन्टेंट और इरोटिक ड्रीम्स से कोई लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप वेट ड्रीम्स को दिन में महसूस करें। और हाँ, नाइट फॉल लड़कियों को भी होता है, तो इस बारे में बहुत हवा बनाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोगों ने पुराने वीडियो में ये भी पूछा है कि क्या मास्टरबेशन करना सही है, तो इसके बारे में बेहतर है कि हम डॉक्टर से बात करें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हस्तमैथुन एक नेचुरल प्रोसेस है जो आदमी कुदरती जैसे जवानी में आता है तो अपने आप कुदरत उसको सिखा देती है या दोस्त सिखा देते हैं। हस्तमैथुन ये एक सीमित तरीके से किया जाए तो कभी नुकसान नहीं देता है। हाँ, जब एक्सेस करते हैं तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यदि आप जोर से ज्यादा करेंगे तो एक दायरे में ठीक नहीं है। नॉर्मली कहा जाता है कि 2 से 3 बार या 4 बार एक हफ्ते में इज गुड इनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लोग दिन में 3-4 बार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका खाना पीना वैसे सिस्टम ठीक नहीं होता है, तो वो बॉडी में वीकनेस और अदर चीजें आती हैं। और अक्सर हस्तमैथुन के बाद में एक फीलिंग आती है, व्हाई डिड आई डू इट, ये मैंने क्यों किया, ऐसी फीलिंग आती है विच इज अ गिल्ट फीलिंग। नॉर्मली ये
नॉर्मल बिहेवियर में करते हैं तो अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हस्मितन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, जाके किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये अच्छी बात है। या जो विडोज हो गए हैं, एल्डरली एज ग्रुप के हैं, हम उनको भी एडवाइस करते हैं कि आप हस्मितन कर दें, क्योंकि आपकी वाइफ नहीं है, आप कहीं इधर उधर नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी इच्छाएं भी पूर्ति करनी जरूरी है, एक नॉर्मल बिहेवियर है आदमी का। तो इसको हम यदि नॉर्मल लिमिट्स में करते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता है, इसको समझना जरूरी है आज की पीढ़ी को। और ये कुछ रिलीजियस फैक्टर्स में भी कुछ लोग मना कर देते हैं रिलीजन के हिसाब से कि नहीं ऐसा भी ठीक नहीं है, पर अपने अपने विचार है, डॉक्टर के हिसाब से ये लिमिट में काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं। मास्टरबेशन के बारे में फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अपने टीनेज बच्चों से इन बदलावों के बारे में बात करें, वेट ड्रीम्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में और यहाँ तक के मास्टरबेशन के बारे में भी। देखिए, आपके डांटने या चिल्लाने से बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होगी, वो जाएंगे और कहीं और से अपने सवालों का जवाब तलाशेंगे और उनके दोस्त या फिर इंटरनेट जो भी उनको बता दे, फिर चाहे वो सही हो या गलत, वो उसी को ही सही मानने लगेंगे। बेहतर रहेगा अगर आप इन चीजों के बारे में खुद उनसे बात करें, ये पहला कदम हो सकता है आपके और उनके बीच में दूरियों को कम करने के लिए, ताकि वो इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस ना करें। मैं हूँ प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ट्विटर पर। हमारा हैंडल है @HTSmartcast। साथ ही ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप लॉग इन करें www.htsmartcast.com पर। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।